चेयर पर बैठी थी तो अचानक से दिमाग में एक ख्याल आया कि आखिर ये चेयर किसने बनाई होगी। हमारे आसपास दोस्तों ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जिसे किसी ना किसी ने तो बनाया ही होगा। इसी तरह हमारे भारत में कई इन्वेंशंस हुए हैं जिसके लिए हमें भारत को थैंक यू बोलना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल विवेक वैली पर। हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया के कुछ इन्वेंशंस के लिए जिसे हमें उतने थैंक यू बोलना चाहिए। तो आज हम 10 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो इंडिया में इन्वेंशंस हुई है। चलिए दोस्तों, उन सारी चीज़ों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं आखिर पहले लिस्ट में कौन है। हाँ दोस्तों, पहले है जीरो एंड नंबर सिस्टम। ये तो आप सभी जानते हैं कि जीरो एंड नंबर सिस्टम की खोज किसने की थी। बिल्कुल सही कहा, आर्यभट्टा जी ने। सोचो, अगर जीरो नहीं होता तो जीरो के बिना सिस्टम नहीं होता, सिस्टम नहीं होता तो कंप्यूटर्स नहीं होते। इसलिए ये सारा खेल है जीरो का, जीरो है तो कंप्यूटर है। दूसरा है बटन। क्या आपने कभी ये सोचा है, जो हम ये कपड़े पहनते हैं जिसपे ये प्यारे प्यारे क्यूट से बटन लगे होते हैं जिससे एक डिज़ाइनर लुक आता है, आखिर वो आया कहाँ से है? ये इंडिया में पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय पता चला है कि हिंदस वैली सिविलाइजेशन में बटन को यूज़ किया जाता था, लेकिन कपड़ों को बनाने के लिए नहीं या कपड़ों पर स्टिच करने के लिए नहीं, सजावट के तौर पर। आखिर अब बटन को उठाकर क्लोथ्स पर यूज़ किया जाता है। इस तरह बटन का इन्वेंशन भारत में हुआ था और ये शी सेल्स के टुकड़ों से बनाया जाता है। कहा जाता है उन शी सेल्स को यूज़ किया जाता है जिनमें होल होते हैं। तीसरे पे आता है कैटाई सर्जरी। क्या आप जानते हो, इंडिया में पहली बार कैटाई सर्जरी हुई थी, जिसे हम मोतियाबिंद भी कहते हैं, जो शुरुआती में इंडिया में हुई थी और इसे करने वाले एक इंडियन फिजिशियन थे। कहा जाता है जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो शुरुआतों में देश विदेश से सब आते थे इनके पास इलाज करने के लिए। मतलब इसकी खोज भी इंडिया में हुई थी पहली बार। चौथा, मेडिकल ट्रीटमेंट। भारत में मेडिकल ट्रीटमेंट का खुद का इतिहास रहा है। कहा जाता है भारत ने बहुत सारी डिजीज की खोज करके उसकी रेमेडीज बनाई है, वो भी अथर्वा वेदा जैसे ग्रंथों को यूज करके और उसके साथ आयुर्वेदिक और सिद्धा को। भारत में 19 सेंचुरी की मेडिसिन आज भी 21 सेंचुरी में यूज़ की जाती है। है ना ये कमाल की बात। आखिर ये नॉलेज आया कहाँ से? हाँ, ये नॉलेज भी हमें प्राप्त हुई है ऋषि और मुनि के द्वारा। अब बारी आती है वायरलेस कम्युनिकेशन की। आज जो हम टेलीविजन फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, उसका इन्वेंशन भी भारत में ही हुआ था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं आखिर किसके द्वारा। 1985 में जगदीश चंद्र बोस ने इसका इन्वेंशन किया था। जो हम आज ये वायरलेस फ़ोन, ये टेलीविजन, ये सब देख रहे हैं, सब उनकी देन है। आठवें नंबर पर आता है शैम्पू। शैम्पू जो आज हम हेयर वॉश के लिए यूज़ कर रहे हैं और अलग अलग प्रकार के। क्या आप जानते हैं इसका इन्वेंशन किसने किया था? इसका इन्वेंशन एक इंडियन बंगाली एंटरप्रेनर और ट्रैवलर्स शेख मोहम्मद दीन ने किया था। शैम्पू वर्ड शैम्पू से लिया है और उसे बनाया गया है। सातवें पे है योगा। योगा आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से माना जाता है। इसका मूल लॉर्ड शिवा से जुड़ा है, उन्हें आदि योगी भी कहा जाता है। हमारे देश में 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है और उसका श्रेय हमारे पीएम को जाता है। कहा जाता है उन्होंने योगा को बहुत प्रमोट किया है शुरुआती दौर में। और योगा के फादर आपको पता है कौन है? महर्षि पतंजलि है, जिन्होंने योगा को दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाया था और उसके बारे में बताया था। आठवें पैदान पर है एस्ट्रोनॉमी। आर्यभट्टा जी ने एस्ट्रोनॉमी में अपना बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दिया था। उन्होंने इन्वेंशंस भी की थी जिसमें पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूम रही है। उन्हें ट्रिग्नोलॉजी में बहुत सारे महारत हासिल किए थे। उनकी ट्रिग्नोमेट्री में भी योगदान थी। उनके योगदान से एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा बदलाव किया गया था और हुआ भी था। नाइन्थ पे आता है एजुकेशन। हाँ दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी को कौन नहीं जानता, और ऐसे सैकड़ों यूनिवर्सिटी हैं जहाँ एजुकेशन का इन्वेंशन किया था। जिस एकेडमी में नॉलेज, प्रैक्टिस, स्किल्स, संस्कृत वैल्यू और स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, वहाँ की तो बात ही कुछ अलग होती। आज अगर ऐसे सिस्टम होते तो क्या पता हम कहाँ से कहाँ होते। दसवें पे आता है USB। हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि USB डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है। और इसकी इन्वेंशन किसने की थी, क्या आप जानते हैं? इसकी इन्वेंशन की थी अजय भट्ट ने। हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे इन्वेंशन इंडिया में हुए जो हम जानते भी नहीं हैं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो? आखिर ये 10 इन्वेंशन जान के आपको कैसा लग रहा है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।